हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ। और गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब हैंडल्स के बारे में। तो क्या होता है ये यूट्यूब हैंडल्स? पिछले 7-8 दिन से यूट्यूब टीम हर यूट्यूबर को मेल कर रही है कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग यूट्यूब हैंडल्स। तो पिछले 7-8 दिन से मुझे भी यूट्यूब टीम से मेल आ रहे हैं कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग यूट्यूब हैंडल्स। तो यूट्यूब हैंडल्स आखिर कैसे काम करेगा, तो यूट्यूब हैंडल्स की वजह से हमारे चैनल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा या हमारे चैनल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के माइंड में अभी आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट करना चाहिए, जिससे लोगों में यूट्यूब हैंडल्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड हो और वो समझ पाए कि यूट्यूब हैंडल्स आखिर काम कैसे करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात, आपको YouTube हैंडल्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर कोई भी बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा या इसकी वजह से आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भी YouTube कर रहा है YouTube हैंडल्स के द्वारा, वो अपने अच्छे के लिए कर रहा है। ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, जो कि मैं आपको आज के वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ पाए और आपका कन्फ्यूजन दूर हो पाए। सबसे पहले बात करते हैं मेल कंटेंट की जो यूट्यूब ने हमें सेंड किया हुआ है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने जो यूट्यूब से मुझे मेल आया है इंट्रोड्यूसिंग यूट्यूब हैंडल्स, उसको ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये मेल पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे काम करेगा और इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए पहले मैं मेल को पढ़ लेता हूँ पूरा, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। Hi Hidden Facts About Life, we are writing to let you know that over the coming weeks YouTube will be introducing handles to make it easier for members of the community to find and connect with each other. Your handle will be unique to your channel and will be how people mention you in comments, community posts and more. Here's what you need to know. We are gradually rolling out the ability to choose a handle for all channels over the coming weeks, and you will receive another email and a notification in YouTube Studio when you are able to choose yours. In most cases, if you already have a personalized URL for your channel, you have reserved this for you as your handle. If you want a different handle from the one we have reserved, you can change it. If you don't already have a personalized URL today, you will also be able to choose a handle for your channel. Starting on November 14, 2022, if you haven't yet selected a handle for your channel, YouTube will automatically assign you a handle which you can change in YouTube Studio if you would like. In the meantime, learn more about handles and all the things you will be able to do with them. Sincerely, the YouTube team. So, ये मेल मैंने पूरा पढ़ लिया है अभी। अब बात करते हैं कि ये बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है? तो अभी बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। ये जो इन्होंने लिखा है इसको मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो और आप समझ पाए कि यूट्यूब हैंडल्स इंट्रोड्यूस करने के बाद एक्चुअली क्या चेंज होगा अपने चैनल्स के ऊपर और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। अब मेरे चैनल का एग्जाम्पल लेते हैं, हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ। अभी कल किसी ने सेम नाम से चैनल क्रिएट कर दिया, हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ। अभी क्या हो गया, YouTube पे दो चैनल सेम नाम से बन गए। अभी अगर मुझे किसी को बोलना है कल कि हाँ मेरा चैनल है हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ, आप सर्च करिए और मुझे आप सब्सक्राइब करिए या मेरे वीडियोस वॉच करिए, तो जिसको मैंने बोला है वो क्या करेगा, जाएगा YouTube सर्च पे, सर्च करेगा हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ, तो उसके सामने दो चैनल जो क्रिएटेड है YouTube पर वो आ जाएगी, हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ, हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ। अभी उस बंदे को मैंने कुछ बताया नहीं है कि मेरा चैनल का लोगो क्या है या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं या फिर मैंने क्या कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। तो वो समझ नहीं पाएगा कि दो चैनल जो दिख रहे हैं उसमें से मेरा कौन सा है। तो अब आप बोलोगे कि यार तुम चैनल नेम से क्यों उसको सर्च करवा रहे हो, आपके पास चैनल का लिंक है तो वो यूज़ करो, वो उसको लिंक शेयर कर दो, उससे वो चैनल सर्च कर लेगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी है कि बहुत से यूट्यूबर्स लिंक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिंक कैन बी स्पैम
और आपके YouTube चैनल की हैक होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है, इसलिए लोग चैनल नेम प्रीफर करते हैं। और इसलिए YouTube ने ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, YouTube हैंडल्स। अब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, तो YouTube हैंडल्स से आखिर क्या होगा। तो अब ये YouTube हैंडल्स है क्या, तो आप देख सकते हो जब ये YouTube हैंडल्स बोलते हो तो इन्होंने जब मेल किया हुआ है इसके अंदर इन्होंने @ का साइन दिया हुआ है। अभी @ का साइन दिया हुआ है मतलब आप समझ सकते हो कि हम @ कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमें किसी को अगर टैग करना हो या किसी को हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सेंड करनी हो या किसी के बारे में कुछ हमने पोस्ट किया है तो उसको हम नोटिफाई कर सके, इसलिए हम @ सिंबल का या साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये अब तक यूट्यूब चैनल्स के ऊपर नहीं था। अगर आप देखते हो ट्विटर ये ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। अगर आपका ट्विटर का प्रोफाइल है तो आप देख सकते हो आपके प्रोफाइल नेम के नीचे आपको @ मिलेगा और उसके आगे आपको एक डिफरेंट नेम मिलेगा, उसको हम कहते हैं हैंडल्स। अभी @ के आगे जो नाम लगेगा आपका वो होगा आपका यूनिक आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि जैसे कोई इंसान है, अभी इस इंसान को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे अगर हम किसी इंसान को क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसे अपना पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड उसको दिखाना पड़ता था, राइट। तो लेकिन अगर उसने कोई स्टेट चेंज कर दिया, कभी वो महाराष्ट्र में है तो कभी गुजरात में, यहाँ पे एक वोटर आईडी क्रिएट कर लिया, वहाँ पे वोटर आईडी क्रिएट कर लिया, तो उसकी आइडेंटिटी है वो प्रॉपरली प्रूव नहीं हो पाती थी। तो इसलिए क्या किया गवर्नमेंट ने निकाला कॉन्सेप्ट UID का, जिसे हम कहते हैं आधार कार्ड। तो वो होता है यूनिक आइडेंटिफायर। अभी उस यूनिक आइडेंटिफायर नंबर से हर एक इंसान को पहचाना जाता है और उसकी यूनिक आइडेंटिटी बन गई है। बस यही कॉन्सेप्ट अभी यूट्यूब लेके आ रही है यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जिसे हम बोल रहे हैं हैंडल्स और @ हैंडल्स, जिससे आपका चैनल यूनिकली आइडेंटिफाइड होगा ऑन यूट्यूब। जब आपके चैनल्स को कोई सर्च करेगा तो पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा हैंडल्स को, आपके चैनल नेम का प्रेफरेंस हो जाएगा सेकंड नंबर पे, वो भी काम करेगा। लेकिन अगर आप कोई भी चैनल सर्च करना चाहो तो आप उसको यूनिक हैंडल से सर्च कर पाओगे और आपको वो चैनल सर्च करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इससे फ़ायदा ऐसा हो रहा है, जो भी जेन्युइन क्रिएटर है जिनको वेरीफाइड बैच मिला है, इनका चैनल नेम किसी और ने सेम यूज़ किया हुआ है, तो उनका चैनल वेरीफाइड है कि नहीं वो समझने के लिए अगर इन लोग हैंडल्स का यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपरली उस चैनल को सर्च कर पाएंगे जो प्रॉपरली जेन्यून है और वेरीफाइड है। तो इससे क्या होगा, स्पैम कम हो जाएगा। कोई भी यूट्यूबर अगर जेन्यून है, उसका चैनल अगर वेरीफाइड है, उसके ऊपर वेरीफाइड का बैच है, तो अगर वो किसी को हैंडल्स देता है तो उसका चैनल प्रॉपरली सर्च होगा और वो स्पैमर से बच पाएगा। और हम लोग के लिए भी जिसके पास बैच नहीं है, जो स्मॉल यूट्यूबर्स है, स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स है, उनके लिए भी क्या होगा, चैनल सर्च करने में आसानी पड़ेगी और आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा हैंडल ये है, तो आप ये हैंडल से मेरा नाम सर्च करिए। जब वो आपके हैंडल से सर्च करेगा तो उसको आपका चैनल ही मिलेगा, किसी और का चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि हैंडल्स होने वाला है यूनिक। हैंडल्स विल बी यूनिक फॉर ईच चैनल। तो अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो यूट्यूब ने हैंडल्स चैनल को यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो इससे आपके चैनल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इससे डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा काम है। जैसे हम ट्विटर पे इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, अभी इसको यूट्यूब इम्प्लीमेंट कर रहा है यूट्यूब पे, और कुछ नहीं है। ओके, तो इससे आपको डरने की कोई बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इससे आपके चैनल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपका चैनल सेफ रहेगा। उल्टा इससे ऐसा फ़ायदा होगा कि लोग आपको यूट्यूब पर इजिली फाइंड कर पाएंगे, तो कम्युनिटी टैब में आपको टैग भी कर पाएंगे, जिससे आप यूट्यूब पे डिफरेंट यूट्यूबर्स से इंटरेक्शन भी कर पाओगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे यूट्यूब ने और एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी पर्सनलाइज URL है आपके चैनल के लिए, तो आपका जो youtube.com के बाद / के बाद जो आपने कस्टमाइज URL सेट किया हुआ है, पर्सनलाइज URL एंड कस्टमाइज URL आर द सेम थिंग, तो आपका जो कस्टमाइज URL है youtube.com के बाद जो आपका आगे जो होगा वो आपका हैंडल बन के आपके चैनल के ऊपर
लग जाएगा। जैसे अगर मेरा नाम है हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ तो उसके नीचे @ करके जो मेरा हैंडल रहेगा, जैसे मेरा कस्टमाइज URL नहीं है, मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो जो भी होगा मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे उन्होंने कहा है कि इफ़ यू डोंट हैव अ कस्टमाइज URL यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट दैट। तो जैसे मैं अपना हैंडल सिलेक्ट करूँगा मेरे चैनल के नीचे हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ के नीचे @ करके मेरा जो हैंडल है वो दिखाई देगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका चैनल नेम जो है वही आप हैंडल रखें, जैसे कि मेरा हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ है तो @ करके नीचे आएगा मेरा हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ। और अगर आपके पास पर्सनलाइज URL आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, कस्टमाइज URL है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं उसको सिलेक्ट करने की, वो YouTube ने आपका ऑलरेडी रिजर्व कर लिया है और आपको वो दिखने लग जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम November 14, 2022। अभी अगर आपने पर्सनलाइज URL क्रिएट नहीं किया हुआ है, कस्टमाइज URL आपका क्रिएट नहीं किया है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उसको क्रिएट कर ले। मैंने भी क्रिएट नहीं किया हुआ है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ऐसी हुई है, कम से कम 8 दिनों से ये YouTube के मेल्स आ रहे हैं, तो YouTube ने क्या किया हुआ है, कस्टम URL का ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कस्टमाइज URL क्रिएट करने लग गए, तो वो अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो आप फिलहाल अभी कस्टमाइज URL क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे तो भी कोई चिंता नहीं है, वो अपने आप आपको असाइन हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन एनेबल होता है कस्टमाइज URL क्रिएट करने का तो आप एक क्रिएट कर लीजिए, ताकि उससे YouTube आपका YouTube हैंडल रिजर्व कर दे और आपको वो असाइन हो जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको आपका हैंडल सिलेक्ट करना है आपके चॉइस का, जैसे अगर मेरे पास मुझे चूज़ करना है हिडन फैक्ट्स अबाउट लाइफ, लेकिन अगर किसी और ने ये चूज़ कर दिया तो वो मुझे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफायर है गाइज, राइट। तो इसलिए अगर आपको यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए आपके चैनल के सेम नेम वाला, तो इसको आप जैसे ही अगर वो ऑप्शन एनेबल होता है तो आप एक कस्टमाइज URL या पर्सनलाइज URL जो बोलते हैं वो क्रिएट कर लो। अब बात करते हैं हैंडल्स के बारे में, हैंडल्स का फॉर्मेट कैसे होगा, उसमें आप कितने कैरेक्टर्स यूज़ कर पाओगे, उसमें आप अपर केस या लोअर केस यूज़ कर पाओगी कि नहीं, वो अल्फा न्यूमेरिक होगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हैंडल्स में आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, आप नंबर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप हैंडल्स में स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। हैंडल्स आपका होगा सटा हुआ, उसमें आपको कोई भी स्पेस यूज़ नहीं करना है, आपको बिना स्पेस यूज़ करे आपका हैंडल्स चूज़ करना है, और आप हैंडल्स को 30 कैरेक्टर्स लंबा बना सकते हो। और अगर आपने आपका कस्टमाइज URL बना रखा है तो आपका हैंडल्स YouTube अपने आप रिजर्व कर देगी और आपको वो असाइन हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये था आज की वीडियो में जहाँ पे हमने बात की कि YouTube ने ये हैंडल्स क्यों असाइन किए हुए हैं, इससे यूट्यूबर्स की जो दिक्कत है चैनल सर्च करने की, या फिर जो स्पैम होता है, सेम नाम से लोग डिफरेंट डिफरेंट चैनल क्रिएट कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ मैं चैनल ओनर हूँ, उस सेम लोगों भी यूज़ कर लेते हैं जो चैनल वेरीफाइड है उनका, जिससे फ्रॉड और स्पैम के इंसिडेंसेस बहुत होते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, अगर आप स्मॉल यूट्यूबर्स हो तो आपको पता होगा कि जब तक आपके 100 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं होते हैं, जब तक आपके 100 सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं होते थे, यूट्यूब आपको कस्टमाइज URL बनाने का ऑप्शन दिया नहीं करता था, राइट। ये चीज़ आपको पता होगी, ये चीज़ खाली उनको पता होगी जिनके सब्सक्राइबर्स 100 के नीचे है और वो कस्टमाइज URL क्रिएट करना जानते हैं। तो जैसे यूट्यूब ने हैंडल्स इंट्रोड्यूस करने का मेल करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन निकाल दिया है, अभी आपके 0 सब्सक्राइबर्स हो या 10 सब्सक्राइबर्स हो, आप कस्टमाइज URL क्रिएट कर सकते हो। इसलिए वो कस्टमाइज URL सेट करने का ऑप्शन फिलहाल अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन आप ट्राई करते रहिए, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप एक ज़रूर आपकी पर्सनलाइज URL और कस्टमाइज URL YouTube के लिए क्रिएट कर लीजिए। ओके, मैंने भी क्रिएट नहीं किए हुए, अब मैं ट्राई करूंगा, अगर बनती तो ठीक है, वरना तो अल्टीमेटली आपको YouTube हैंडल्स तो असाइन कर देगा, तो आपको एक हैंडल असाइन होगा ही, खाली इतना ही होगा कि अगर आप कस्टमाइज URL अगर आप नहीं बना पाते हो तो आपको आपके चॉइस का हैंडल्स नहीं मिलेगा, जो होगा आपको वो यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको उसे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका हैंडल्स यूनिक नहीं है तो वो आपको एरर देगा, तो आपको ऐसा हैंडल्स चूज करना पड़ेगा जो किसी और को असाइन नहीं है। सो गाइज, आई होप आपको YouTube हैंडल्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है और आपका कन्फ्यूजन जो भी होगा वो दूर हो गया है।
तो ऐसे हम YouTube हैंडल्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो हमें YouTube पे एक दूसरे से इंटरेक्शन करने में आसानी पड़ेगी और हमारा चैनल दूसरे लोग भी इजीली फाइंड कर पाएंगे YouTube पे। तो आज का ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय।